बुध के रोज पंजाब असेंबली के इजलास में बात हुई स्मॉग के हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक रिपोर्ट पेश की। हैरत की बात यह है कि इस इजलास में जहां पर स्मॉग के हवाले से एक अहम गुफ्तगू होनी थी, एक अहम रिपोर्ट पेश की जानी थी, ये इजलास 3 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ और ऐवान में अराकीन की तादाद भी काफी कम थी। पंजाब हुकूमत काफी रोज से इस बात पर जोर दे रही है कि अवाम जो है वो स्मॉग से बचने के लिए जहाँ बाकी इकदामात उठा रही है वहीं पर मास्क को भी लाजमी पहने। देखिए, अभी हमने मास्क किया है और स्कूल के बच्चों के जो यंगर जनरेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उसको हमने किया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खाली स्मॉग में नहीं, अक्टूबर से जनवरी नहीं बल्कि पूरा साल लाहौर का AQI 275 दिन 365 दिनों में से अनहेल्दी AQI होता है। हमें साल के अराउंड द ईयर लाहौर में मास्क पहनना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और कार्स का भी जिक्र किया जाता है कि उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और साथ ही कार पुलिंग की जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो इस ऐवान में आवाम के नुमाइंदे बैठे हैं वो ये बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन वो खुद इस पर अमल पैरा होते दिखाई नहीं देते। ऐवान पंजाब असम्बली का जो ये एरिया है जहाँ पार्किंग का एरिया है वो आज हरे रंग की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों से भरा हुआ था। हर MPA या जो भी अराकीन असम्बली आ रहे थे वो अपनी इनफरादी गाड़ी पर यहाँ पहुँचे और साथ ही साथ किसी भी रुकन असम्बली सिक्योरिटी के अहलकार जो यहाँ पर सिक्योरिटी मामूर है, यहाँ तक के सहाफ़ी भी, उनमें से किसी ने फेस मास्क जो था वो नहीं पहना हुआ था। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रही हैं कि हमने भी मास्क नहीं पहना हुआ। मेरे ख्याल में कि यहाँ पे अभी ठीक है, अभी माहौल ऐसा, मुझे कोई मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फील नहीं हो रही। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई फील होगा तो मैं पहन लूँगी। हाँ बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और क्योंकि हम लोग लाहौर में हैं, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी अरकान असम्बली भी ये कोशिश करेंगे कि ख़ुद भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें और लोगों को भी करवाएँ। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब आवाम के नुमाइंदे ख़ुद ही अपनी कही हुई बात पर अमल नहीं कर रहे तो आप आवाम से किस तरह से ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपके दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए उन पर अमल पैरा हो।